अगर परिवार की बात हो जाती है, अगर अपने धंधे की बात हो जाती है, अगर अपने देश की बात हो जाती है, अगर अपने क्षेत्र की बात हो जाती है, तो वो महिला उसकी इज्जत के लिए लड़ने में कभी पीछे नहीं हटती है। और इस स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ती है। पर आजकल अभी राजस्थान के अंदर देखोगे आप तो सब दूर उनका अपमान हो रहा है, अत्याचार की 20-20 घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कहना चाहूंगी कि अगर परिवार की बात हो जाती है, अगर अपने धंधे की बात हो जाती है, अगर अपने देश की बात हो जाती है, अगर अपने क्षेत्र की बात हो जाती है, तो वो महिला उसकी इज्जत के लिए लड़ने में कभी पीछे नहीं हटती है। और इस स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ती है। पर आजकल अभी राजस्थान के अंदर देखोगे आप तो सब दूर उनका अपमान हो रहा है, अत्याचार की 20-20 घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कदम कदम पर मातृशक्ति का अपमान हो रहा है। और दुष्कर्म के तो करीबन 1400 प्रकरण ऐसे हैं जो आज भी लंबित हैं। संबंधित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, ये हम सब के दिल के अंदर बात है। हम लोग सब ये पूछते रहते हैं कि हमारी कैसी सरकार है जो हमारी महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकती, और उन महिलाओं का क्या होगा जिनके ये प्रकरण अभी भी पड़े हुए हैं। देखो ये सही बात है कि महिलाओं के बिना समाज के अंदर परिवर्तन हो नहीं सकता। परिवार का परिवर्तन वो हमारी महिला ही करती है, और आगे चल के भी वो महिला है जो महिला समाज का परिवर्तन करती है। आपको याद होगा कि एक जमाना था जब वो अपने आंगन की तुलसी हुआ करती थी, बाहर क्या हो रहा था किसी को मालूम भी नहीं होता था। परंतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाके पास किया है हमारे लोकसभा के अंदर, उसने हमारी ये आवाज को पूरी दुनिया के अंदर उठाने का काम किया है। मैं सब एक ऐसी चीज है बहनों जो आगे चल के हमको वो ताकत देगी हमारी खुद की लड़ाई लड़ने की। पर आपने भी अपनी लड़ाई बहुत जोरदारी से लड़ी है, इसी का काम है कि आज ये बिल भी पास हुआ। हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे उनको जिन्होंने ये काम हम सब के लिए किया, जिसने हम सबको मजबूती देने की शुरुआत की। और मुझे विश्वास है कि समय एक बहुत जल्दी आएगा जहां कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के हिसाब से हम भी इस देश के अंदर खड़े हो सकेंगे, गर्व के साथ खड़े हो सकेंगे। यह स्पष्ट हो गया है कि मातृशक्ति की सम्मानजनक भागीदारी के बिना कोई भी राष्ट्र का नव निर्माण नहीं हो सकता है, और उसको करने के लिए हम सबको भी आगे आना पड़ेगा। मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहती हूं कि पहली बार राजस्थान के अंदर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करने का काम हम लोगों ने अपनी सरकार के समय किया था, जब हमने पंचायत के अंदर हमारी महिलाओं को पदों के अंदर 50% रिजर्वेशन देके उनको आगे लाने का काम किया था। मुझे याद है कि उस समय हमारे जो घर परिवार के पुरुष थे उन लोगों ने कहा कि ये काय को टाइम खराब कर रहे हो, ये कुछ कर नहीं सकेंगी, करना तो हमें ही पड़ेगा, ये तो घूंघट के पीछे हैं, आप ये छोड़ देते, हम लोगों पे छोड़ देते, काम तो हमें ही करना है। पर मुझे बड़ी खुशी है आप लोग सबको बताते हुए कि 6 महीने के अंदर वो घूंघट थोड़े से ऊपर हो गए। मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि 6 महीने के अंदर उनने अपना कार्यभार संभाला, अपना दस्तखत करना शुरू किया, और अपने घर परिवार के पुरुषों को कहा कि भैया जरा 4, 4:30, 5 बजे तक आ जाऊंगी, चाय चढ़ा देना।